अरे आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आई विल नेम यू, आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष का पूछने तो विश्वास नहीं है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने कोई नहीं बोलेगा भाई, बताएं। मैंने अलाउ किया है। आपने जो जवाब में 33 प्रकरण बताए हैं, परीक्षा जो परीक्षा पत्र जो आउट हुए हैं उसमें पूर्व सरकार के कितने हैं और उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में कितने पेपर लीक हुए थे, और ये जो एक प्रकरण है ये कौन सा प्रकरण है जिसका चालान नहीं हुआ? यानी एक माननीय अध्यक्ष महोदय किस भी आप पे बोल रहे हैं, खुद के ऊपर आ रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी तो यही है, माननीय सबसे बड़ा अपराधी यही है, रीड का आरोपी है, रीड के सबसे बड़ी असल बॉम्बे नाथी का बड़ा है, असल बॉम्बे नाथी का बड़ा है, नाथी का बड़ा है, नाथी का बड़ा कैसे बोल सकता है, नाथी का बड़ा कैसे बोल सकता है जिसके ऊपर आरोप। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मंत्री ही है, बैठिए बैठिए, मंत्रियों को खड़ा नहीं होना है, बैठिए आप, अरे आप बैठिए। ये क्या तमाशा है मतलब, मुझे कठोर कदम उठाना। माननीय मंत्री महोदय, बिना अनुमति के कोई भी नहीं बोलेगा, मतलब एकदम से खड़े हो जाते, इधर भी खड़े हो जाते, ये ठीक नहीं है। आप चुप रहिए, अरे सदन चलाना है या स्थगित करना है? आई विल नॉट टॉलरेट, मैं इसका बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक वाक्य में आपको एक प्रश्न, एक मिनट पूछने दीजिए, पूछे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 से 18 के बीच में कितने पेपर लीक हुए और पिछली सरकार में कितने पेपर लीक हुए, और ये जो एक प्रकरण है इसकी जांच कहां तक पहुंची, कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए और इस जांच को कब तक आप पूरा कर देंगे? बैठिए, आगे प्रश्न, हाँ उत्तर दिए। अरे अरे आप कैसे बोल रहे हैं? माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, अरे माननीय सदस्य, आई विल नेम यू। 615 लोग एक्यूज्ड हैं, और मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास जो विवरण है, 2021 में 5 बड़े कांड हुए थे, 22 में 10 हुए थे और 23 में 5 हुए थे। अब ठीक है, अगला प्रश्न और हो गया, यदि आप उत्तर नहीं सुनना चाह रहे अध्यक्ष जी, इन्होंने पूछा आपके माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न पे केवल जिसका प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी, ज्यादा कोई ये पूछेंगे, बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, अगला प्रश्न, माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, एक मुझे कंप्लीट करने दो अध्यक्ष जी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं श्री रोहित बोरा, आपको नहीं करना रोहित जी, अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था अध्यक्ष महोदय, चर्चा में आइए, अध्यक्ष महोदय चर्चा में आए, अरे उसके लिए अलग से चर्चा कराएंगे, उसके लिए अलग से चर्चा होगी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप मेरा, एक मिनट मेरा जैसे, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आसन पाओ पे बैठे अध्यक्ष महोदय, हनुमान मैं आपको पहले आपको करूंगा, आप ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, बैठे नहीं बैठे तो चाहिए, मैं फिर आई विल नेम यू, मैं आपको बाहर भेजना पड़ेगा, पहले ही दिन ऐसा वातावरण मत बनाइए तो मुझे कहना पड़े, अनकंट्रोल नहीं होने दूंगा, हाउस को अनकंट्रोल नहीं होने दूंगा। अब अगला अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछा जवाब आ गया, दे रहा हूँ इनका जवाब नहीं आया, आ गया इनका जवाब दे रहा हूँ अध्यक्ष जी, जवाब भाई से आ गया, आप बैठे, आप पुराने सदस्य हैं, आप अनुभवी हैं, आप बैठिए, आप बैठिए, शांति बैठिए, अंकित नहीं, अब अंकित नहीं, रोहित बोरा पूछे अगला प्रश्न, 15 मिनट हो गए इसी पे, इसे 15 मिनट हो गए, 1 पे 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते, इस पे नहीं दे सकते, नहीं रोहित बोरा बात, इस प्रश्न का उत्तर आ गया सर, इस प्रश्न का उत्तर आ गया, अब रोहित बोरा बोलिए, आप बोलिए नहीं तो अगला पुकारूंगा, नहीं तो अगला पुकारूंगा, बोलिए आप बोलिए,
प्रश्न नंबर दो। माननीय मंत्री महोदय, अब प्रश्न अगला आ गया, बैठो। आप अगली बार इनको चैंबर में बुला लेना, अब बैठिए। कह दिया अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि एक कलाम कोचिंग सेंटर सीकर में है। अब मैंने कहा और वो कलाम गवर्नमेंट टीचर इनके ग्रामीण विकास। बैठिए 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 सब सब बैठिए आसन पाओ पे, आसन पाओ पे। अगला प्रश्न पुकार लिया है, अगला प्रश्न पुकार लिया है। बैठिए, अगला प्रश्न आएगा माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास। अरे आप चोर हो, ग्रामीण विकास तो ग्रामीण विकास के भ्रष्टाचारी हो, आप भ्रष्टाचारी हो। मंत्री कौन देंगे ग्रामीण विकास के? क्यों हमारे लिए क्या 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 बात मंत्री साहब, क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं? बैठिए आसन पाओ पे। सदन की कार्रवाई 15 क्रमांक दो। ग्रामीण विकास का कौन देगा उत्तर?